वही अवंद अवस्था को प्राप्त करेगा। जो कर्मों से बना हुआ है वो
कर्मों से रहित हुआ, जो कर्मों से रहित पहले ही हो चुका है वो क्या कर्मों से रहित हुआ। जब तक बंध दृष्टि का बोध नहीं है, अबंध दृष्टि का बोध नहीं है, तब भी निर्बंध नहीं है। अबंध दृष्टि का बोध नहीं तब भी निर्बंध नहीं हो पाओगे। निर्बंध दृष्टि का बोध नहीं है, बंध दृष्टि का बोध है तब भी निर्बंध नहीं हो पाओगे। क्यों? दोनों का ज्ञान होना जरूरी है, बंध का भी और निर्बंध का भी, अबंध का भी। बंध दृष्टि से तात्पर्य, बंध व्यवस्था से तात्पर्य मिथ्या, प्रमाण, अवृत्ति, कषाय, योग, जो बंध के प्रत्यय है, इनसे कर्मों का बंध होता है। मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाण, कषाय और योग, ये कर्मों के बंधन में निमित्त है। इन पांचों का ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर आपको निर्बंध होना है, कर्मों से रहित होना है, तो पहले बंध के प्रत्यय को जाने कि बंध के प्रत्यय क्या है, किन किन कारणों से कर्मों का बंध होता है, उन प्रत्ययों को जानना जरूरी है। सबसे पहले मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाण, कषाय, योग, इनको जानना, ये बंध के प्रत्यय है। इनको जानना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। इनको जानना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। और जो संवर्ग के हेतु है, निर्जरा के हेतु है, कौन कौन? व्रत, समिति, बुद्धि, धर्म, परिसर्जय और अनुपरीक्षा, ये संवर्ग के हेतु है। इनको जानना भी अनिवार्य है। बंध को भी जानो, अबंध को भी जानो। जिन वस्तुओं से, जिनसे बंध होता है उनको भी जानना जरूरी है, और जिनसे अबंध होता है उनको भी जानना जरूरी है। तो बंध के प्रत्यय कौन बताए? मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाण, कषाय, योग। योग बंध के प्रत्यय, और अबंध के प्रत्यय कौन से हो गए? व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, परिसर्जय और अनुप्रेक्षा, ये अबंध के प्रत्यय, इनको भी जानना अनिवार्य है। इसको सही तरीके से आते हैं, यदि यह जीव विवेक दृष्टि से व्रत, समिति आदि का पालन कर रहा है, परंतु अंतरंग में बहिरंग मिथ्यात्व का त्याग नहीं है, तो संवर्ग की सारी क्रियाएं वंद की ही हेतु बनेगी। उनको वंद ही हो रहा है, क्योंकि अंदर से मिथ्यात्व भरा हुआ है, संवर्ग की हेतु नहीं बनेगी। व्रत, समिति आदि का द्रव रूप से जीव पालन कर रहा है, परंतु अंतरंग व बहिरंग मिथ्यात्व नहीं छूटा। अंतरंग मिथ्यात्व नहीं छूटा, बहिरंग मिथ्यात्व नहीं छूटा, तो आपकी की गई क्रियाएं ऐसी मानकर चलना जैसे कड़वी तुमड़ी में रखा दूध कैसा हो जाता है? कड़वेपन का ही वृद्धि करेगा। क्या वृद्धि कर रहा है? कड़वेपन। कड़वी तुमड़ी में अगर दूध रख दिया जाए तो वो दूध भी कैसा हो जाता है? कड़वा हो जाता है। मिथ्यात्व की सत्ता में की गई पुण्य की क्रियाएं मिथ्यात्व वृद्धि का ही कारण बनेंगी। यदि स्वर्ग में देव भी हो गया तो कहा जाएगा? ग्रीवित जा सकता है। स्वर्ग में देव हो गया तो ग्रीवित तक जा सकता है मिथ्यात्व की सत्ता में, परंतु यदि वहां सम्यक प्रकट नहीं कर सका तो भी उत्कृष्ट ग्रीवित की आयु को मिथ्यात्व के साथ जिएगा। इसलिए जिनको संयम का मार्ग जानना है उन्हें मिथ्या मार्ग को भी जानना आवश्यक है। जीव खीर को भी साफ बर्तन में रखता है, या बर्तन साफ करके रखता है। बर्तन खाना है कि खीर खाना है? बर्तन को साफ क्यों किया? खाना खीर है, फिर भी बर्तन को साफ करके खीर रखता है। जब बर्तन नहीं खाना है तो बर्तन को साफ करने की क्या आवश्यकता थी?
खाना तो घी है लेकिन पात्र की स्वच्छता में परोसी गई खीर में खीर का ही स्वाद आएगा और पात्र की अस्वच्छता में खीर का माधुर्य गुण भी विकृत हो जाएगा। इसी प्रकार से जिस जीव के अंतस में मिथ्यात्व की कलुषता हटी नहीं है, मिथ्यात्व की कटाई निकली नहीं है और अपने चारित्र की खीर परोसना प्रारंभ कर दी, व्रत समिति गुप्ति आदि का पालन करना प्रारंभ कर दिया, तो व्रत समिति का पालन द्रव संयम भूत होगा, भाव संयम भूत नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि जीव का संयमाचरण मात्र द्रव लिंग भूत ही होता है और सम्यक दृष्टि जीव का संयमाचरण भाव लिंग भूत होता है। यही सम्यक विष का विष को शुद्धिकरण करने की औषधि है। जैसे राजस्थानी पुरुष बहुत मिर्ची खाता है, राजस्थान में रहने वाले लोग बहुत मिर्ची खाते हैं, जबकि यहाँ का पुरुष बुंदेलखंड का भवन पुरुष और दूसरे प्रांतों का पुरुष सी सी करता है और वहां का पुरुष मिर्ची आराम से खाता है। यहाँ तक कि मैंने तो सब्जी भी देखी है कि वहां के लोग मिर्ची की सब्जी बनाते हैं, मिर्ची की सब्जी, जो मिर्ची आप सब्जी में डालते हैं, एक मिर्ची डालती पूरी सब्जी में, उस मिर्ची की वहां सब्जी बनती है। तो सोचो वहां के लोग कितनी मिर्ची खा लेते होंगे, उनके अंदर शक्ति है वहां के जन्म लेने वाले राजस्थानी पुरुष होंगे। तो यहाँ का सीसी करेगा, जितनी अधिक मिर्ची का सेवन करता है उतना ही अधिक घी का भी सेवन करता है, जितनी अधिक मिर्ची का सेवन करता है उतना अधिक घी का सेवन करता है। दाल बाटी खा के देख लो भैया, बाटियों को घी लगाता नहीं है, घी में डुबोता है और डुबो के निकालता नहीं है, डुबो के रखता है, रखे नहीं देता है, थोड़ी देर उसमें घी पीती है वो बाटी, फिर उसके बाद वो बाटी को खाता है। तो सोचो वो जितनी मिर्ची खाएगा उतना ही घी भी सेवन करता है। मिर्ची जहर भूत है तो घृत अमृत भूत है, मिर्ची जहर भूत है तो घी अमृत भूत है, घृत मिर्च के जहर को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। अगर आपका मुंह जल रहा हो तो लोग बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, कहते थोड़ा सा घी लगा लो, घी लगा लो, हाथों में अगर मिर्ची आप छू ली तो जलन करने लगती है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं उसमें थोड़ा सा घी लगा लो। मिर्ची जहर रूप है तो घी अमृत रूप है, समझो। संख्या कल आपको बताया, संख्या मतलब उजला, जहर का नाम है, उजला को भी व्रत के माध्यम से शुद्ध कर लिया जाता है। शुद्ध करने की विधि बताई थी, कांसे की थाली में और गाय के घी के साथ उस जहर को भी शुद्ध किया जा सकता है। जिसको जहर शुद्ध करने की विधि मालूम है वह पुरुष जहर को भी शोधन करके मरण को प्राप्त नहीं होता, जहर का सेवन भी कर लेगा तब भी मरण को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसे जहर के शोधन करने की विधि को ज्ञात है, पता है, अपितु मरण को प्राप्त नहीं होता, अपितु रोग के उपशमन को प्राप्त होता है, अपने रोग का शमन होता देता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव पूर्ववर्त कर्मों के उदयगत पाने पर बंध को प्राप्त न होकर के निर्जरा को ही प्राप्त होता है। जैसे विष को भोगता हुआ वैद्य पुरुष किसको भोग रहा है, वैद्य विष को भोग रहा है, ठीक है ना, वैद्य पुरुष मरण को प्राप्त नहीं होता, मरण प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही उद्गत कर्म के उदय को भोगता हुआ विज्ञानी बंध को प्राप्त नहीं होता। कैसे नहीं होता,
मेरी यह मनुष्य पर्याय पूर्ववत गत है कि नहीं है? पूर्व में बांधी थी तभी तो मिली, अब पूर्व की वर्तमान है और वर्तमान की भुज्यमान है। पूर्व की वर्तमान है और वर्तमान की भुज्यमान है। वर्तमान कर्म का उदय होने पर भुज्यमान पर्याय के प्रति दृष्टि क्या है? यदि भुज्यमान पर्याय के भोग में राम की लीनता है तो अभिनव अभिनव कर्म बंध का ही कारण है। ठीक, जो वर्तमान की भुज्यमान पर्याय उदयगत है उसके प्राप्त होने पर भी उसमें राग द्वेष का अभाव है तो वह उदय को प्राप्त होकर के क्या हो रही है? निर्जरित हो जाएगी और वह अभिनव बंध कराकर नहीं जा पाएगी। वह पुरुषार्थ साधन है, ये पुरुषार्थ से ही संभव है। आपका पुरुषार्थ होगा तो जो पूर्व आयु मिली थी वो निर्जरित को प्राप्त होगी, नवीन बंध को प्राप्त नहीं होगी। जो तेरा चेहरा है वो सुंदर है, तेरा चेहरा है वो सुंदर है, तू चाहे इस सुंदर चेहरे को प्राप्त करके भी निर्बंधता को प्राप्त हो सकता है और तू चाहे तो सुंदर चेहरे को प्राप्त करके अत्यंत असुंदर चेहरा प्राप्त कर सकता है। भोग भावना की लीनता को देखो, भोग भावना की लीनता तो देखो, यानी तुझे अपना चेहरा दिख रहा है क्या? नहीं, दूसरे को दिख रहा है। हम अपने चेहरे को देखना चाहें तो क्या हम स्वयं अपने चेहरे को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, दूसरा देख रहा है हमें। ठीक है, यदि तू दूसरे का चेहरा गौर से देख रहा है तो विश्वास रख, जैसे शरबत के पीने पर कंठ में कुछ होता है, शरबत को पीने से कंठ में कुछ होता है, ऐसे ही दूसरे के चेहरे को देखने पर कंठ में कुछ होता है। आंखों से दृष्टि ले रहा है, कर्म बंध देखना कैसे कर रहा है, आंखों से दृष्टि ले रहा है और कंठ में डकार आ रही है, कंठ में डकार आ रही है, अनुभूति ले, अनुभूति ले आप। हे रागी, तूने नेत्रों से परके चेहरे का भोग करके निज के विशुद्ध भाव विशुद्धि भावों का हरण किया, अपने निर्मल परिणामों का हरण कर लिया दूसरे को देखकर और अशुभ कर्मों से वरण किया है, पता ही नहीं चला और सब हो गया, पता ही नहीं चला और सब हो गया। तेरा चेहरा देखकर तो उसे संतुष्टि हो गई, अब बेचारे का स्वयं का चेहरा दिख नहीं रहा था तो वह दर्पण लेकर आया और स्वयं के चेहरे का भोग प्रारंभ कर दिया। पहले तो दूसरे के चेहरे को देखकर भोग प्रारंभ किया था और अब अपने ही चेहरे को देखकर भोग रहा है। एक भोगी टीवी के सामने बैठ करके चित्रों का भोग होता कि नहीं? टीवी के सामने बैठ करके चित्रों का भोग होता कि नहीं? यदि टीवी पर भोग ना होता तो घंटों घंटों जीवन को बर्बाद कैसे करता? कोई भी जीव हो, सामान्य गृहस्थ त्यागी वृत्ति टेलीविजन देख रहा है और इंद्रिय को भोग रहा है, उसका असंयम भाव गया नहीं है, उसका असंयम भाव गया नहीं है। लोक में खुली व्यवस्था है, सो खुला भोग भोग रहा है। टेलीविजन देखना ज्यादा लोग बुरा नहीं मानते, ये मालूम खुला भोग है।
बुरा नहीं मानते, लेकिन ये खुला भोग है। न्यूज़पेपर पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना और टेलीविजन देखना, ये सब त्यागी वृत्तियों के द्वारा खुला भोग है। त्यागी वृत्तियों की आवश्यकता नहीं है। समाचार पत्र पढ़ना खुला भोग है, बिल्कुल भी नहीं करने का, क्योंकि पंच इंद्रिय के विषय भोगों की चर्चा न्यूज पेपर करेगी, जहां पर पांचों पापों की व्याख्या आपको न्यूज पेपर मिलेगी, जिसको देखकर हो सकता है आपकी कसाएं बढ़ सकती है, क्रोध भी बढ़ सकता है, मान भी आ सकता है, मायाचारी भी कर सकते हैं हम, उसमें व्यसनों में कसाए में सब में फंस सकते हैं। इसलिए न्यूज पेपर त्यागी वृत्तियों को तो नहीं पढ़ना चाहिए। ग्रस्त ग्रस्त है यह बंद व्यवस्था, निर्जरा व्यवस्था की व्याख्या चल रही है। तुम क्या जानना चाहते हो? हे योगीराज, समाचार पत्र पढ़ के समाचार जानकर तुम बंद क्यों कर रहे हो? हमें क्या करना है? क्या राजनीति में क्या हो रहा है, क्या क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्या समाज में क्या हो रहा है, हमें क्या जानना? हम पर को जानने के लिए आए हैं कि निज को जानने के लिए आए हैं? साधु बनने निज को जानने आए हैं कि पर को जानने आए हैं? क्यों इनको जानकर बंद को प्राप्त हो रहे हो? परस्पर में समाचारित भी करो तो कर्म की निजरा हो। परस्पर में एक दूसरे को नमोस्तु तो कर नहीं पा रहे। मुनियों की समाचारी विधि 10 प्रकार की होती है। समाचारी विधि के लिए तेरे पास समय नहीं है, और समाचार पत्र को पढ़ने के लिए तेरे पास समय है। एक मुनि दूसरे मुनि से मिलना पसंद नहीं कर पा रहा है कि नमोस्तु करना पड़ेगा, वह नमोस्तु करने का समय नहीं है और समाचार पत्र पढ़ने का समय है। भैया ध्रुव सत्य है कि अपनी साधना की अनुमति नहीं ले पा रहा है, इसलिए साधु के भेष में पर की अनुमति ले रहा है, अपनी अनुमति नहीं ले पा रहा, इसलिए पर की अनुमति ले रहा है। जिसको निजी साधना की अनुमति आने लगती है, उसके पांच पर के लिए कोई समय नहीं होता, वो तो निज में लीन होता है। और जो निज अनुमति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसे पर में भटकना पड़ता है। जैसे अभिजात बछड़ा मतलब तुरंत का जन्मा बछड़ा, जैसे ही बछड़ा जन्म लेता है तो माँ के आंचल को खोजता है। जब तक उसे आंचल नहीं मिलता तो वह कहीं के भी स्थान को पकड़ता है। जैसे बछड़ा माँ के अंग अंग पर मुंह मारता है, मुंह भर रहा है, क्योंकि उसको अभी आंचल नहीं मिल रहा है, और जैसे ही उसको आंचल मिलता है, जब तक आंचल नहीं मिलता है तब तक मुख पटकता है, और जब बछड़े को आंचल मिल जाता है तब वह मात्र माँ के दिनों का दुग्ध पान करता है, फिर किसी भी चमड़ी का स्पर्श नहीं करता। ऐसे ही जिस योगी को निज आत्मा की अनुभूति प्रारंभ हो चुकी है, वह जगत के किसी और मुख नहीं मारेगा, किसी और मुख नहीं मारे, और जब तक निज आंचल का पान नहीं हो रहा है तब तक जगत के प्रपंचों में मुख मारे, इधर उधर भटके, दर्पण रख करके जो अपना मुख देखते हैं वे सब चरम कार्य है। एवं भूत ने कहता है कि जो क्रिया जिस समय होती है वो वही कहलाता है, जो क्रिया जिस समय होती है वो वही कहलाता है। अगर आप कपड़े धो रहे हैं तो उस समय प्रेजेंट में आप धोबी हैं, जिस समय आप बर्तन मांज रहे हैं आप बर्तन मांजने वाले हैं,
जिस समय आप खाना बना रहे हैं उस समय आप बावर्ची हैं, जिस समय आप मल को धो रहे हैं उस समय आप सफाई करने वाले हैं एवं भूत नहीं करता है। हमारे नए बड़ी व्यवस्था नए व्यवस्था का ज्ञान ज्ञान जिसको होता है वह कभी विकल्पों में नहीं पड़ता। अगर कोई कुछ बोल भी देता है ठीक है भाई एक में की अपेक्षा सही है तू भी सही है, हम क्यों अपने परिणाम बताते हैं क्यों परिणाम विकल्प है। यदि किसी ने कुछ कह दिया तो उसके कहने पर हम अपने परिणाम विकृत क्यों करें। अगर आप कपड़े धो रहे थे और किसी ने कह दिया तो भैया तो भी जी अच्छे से कपड़े साफ करियो आप मुस्कुरा देना लड़ने को तैयार ना हो जाना चला ठीक क्यों उस समय आप कपड़े धो रहे हैं धोबी का काम कपड़े धोने का आप कपड़े धो रहे हैं सही तो कह रहा है क्या गलत हो रहा है। ये लड़ाई झगड़ों से अपने प्रणामों को विकृत होने से बचाने के साधन है इसलिए बचा लो अपने प्रणाम विकृत मत करो। आगम तो यही सिखाता एवं भूत ने कहता है जो क्रिया जिस समय हो रही हो वही कहलाता है। जब तू अपनी चमड़ी को गालों को निहार रहा है तो क्या देख रहा है चमड़ी वह चमड़ी को कौन देखता है चर्मकार जो चप्पल जूता बनाता है वो देखता है। यदि चमड़ी को निहारते निहारते उसी समय आयु बदल काल आ जाए तो क्या होगा उसी चमड़ी में जाकर तू पुनः कीड़ा बनेगा। आसक्त था ना चमड़ी को देखने में इसलिए कीड़ा बनेगा। जब वह मरा लोग सोच रहे थे कि स्वर्ग में गया और पूरे में हल्ला कर दिया क्या फलाने फलाने स्वर्गवास हो गया फलाने फलाने क्या हो गया स्वर्गवास हो गया। तुम्हें कैसे मालूम स्वर्गवास हो गया जबरदस्ती अब भी ज्ञान से जाना तुमने क्या कि स्वर्गवास हो गया अल्ली किताब रही है वह चिल्लाता रही है फलाने फलाने का स्वर्गवास हो गया लेकिन वह उसी शरीर में कीड़ा बन गया। आसक्ति वो अपने चेहरे में आसक्त था और चेहरे को देख देख के आसक्ति बना रहा था प्रसन्न हो रहा था अपने को और खिला रहा था और उसी समय आयु का बंद हो गया। भैया ध्यान दो दर्पण रख करके अपने चेहरे को धोगे तो बंद होगा कि नहीं होगा भगवान रोक पाएंगे क्या उस बंद से ना भगवान बचा पाएंगे ना गुरु बचा पाएंगे ना शास्त्र बचा पाएगा कोई भी नहीं बचा पाएगा। बंद के विधान का विधान देव शास्त्र गुरु कर सकते हैं समझना बंद के विधान का विधान देव शास्त्र गुरु कर सकते हैं निर्जरा के विधान का विधान देव शास्त्र गुरु कर सकते हैं लेकिन देव शास्त्र गुरु उसे बंद के विधान से बचा नहीं सकते बता तो सकते हैं बचा नहीं सकते। नवजात बछड़े का मुख किसान उसकी माँ के थनों में लगा सकता है परंतु उसके दूध निकालना किसान के हाथ में नहीं है वह तो बछड़े को ही खींचना पड़ता है। देव शास्त्र गुरु ने तुमको आंचल तो बता दिया लेकिन उस आंचल से निजानुभूति का दुख तुझे ही निकालना पड़ता है। यहां आकर बैठने से काम नहीं चलेगा ये तो गऊ है जैसे गऊ तो घड़ी है गऊ से दूध निकालना गऊ का काम नहीं है इसका गौवान वाले का काम है। गऊ जानते ना क्या गऊ होता है प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती प्राय सरस्वती स्त्रोत याद करो पंचदशम चा श्रुत देवी
सरस्वती के 16 नामों में गौ नाम आता है, चिन्मानी के 16 नामों में 16 नाम गौ है, तो गौ अर्थात चिन्मानी। जैसे गाय के 4 तन है, ऐसे मेरी जिनवाणी माँ के 4 तन है, प्रतिमानियो करणानियो चरणानियो विप्रानियो। गाय तो खड़ी है, दूध निकालना आपके हाथ में है, भूखा है क्षुधित है, तो माँ के आंचल पकड़, तुझे भूख लगी है तो माँ जिनवाणी के आंचल से निकाल ले वस्तु स्वभाव तत्व के क्षीर को। गाय तो पैर मार सकती है, गाय का दूध निकालो ना तो गाय तो पैर मार सकती है, परंतु ये ऐसी गौ है कि कभी लात नहीं मारेगी। ये मेरे सपूतों, तुम जितना पान करना चाहो इसके आंचल में अगाध भरा हुआ है, ये आंचल कभी खाली नहीं होगा, तू चाहे तो निकाल कर दूसरे को भी पिला सकता है, कभी खाली होने वाला नहीं है, ये कभी खाली होने वाला नहीं है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, पर ज्यो ज्यो खर्चे त्यो त्यो वाड़े, बिन खर्चे घट जा। यही तो है, कितना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बढ़ता है, बांटो, जितना ज्ञान बांटोगी काटोगी उतना ज्ञान बढ़ता जाता है। सरस्वती बागवादिनी माँ भारती, इसको तुम जितना विस्तृत करोगे, जितना दूसरों को बांटोगे, उतना इसका दुख वृद्धि को प्राप्त होता है। जीव है जो अपना ज्ञान किसी को देना ही होता है, आपके पास ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान को देना नहीं चाहिए। बड़े अभागे लोग हैं, अपनी विद्या अपने तक ही सीमित, ये ज्ञान नहीं करता है कि अगर हमने अपनी विद्या इसको दी, दूसरे को दी, तो दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, वो विद्या समाप्त नहीं होगी। और यदि तूने विद्या किसी को नहीं दी, वो विद्या लेकर चला गया, वो विद्या तो लोप होगी। अगर ये घर से ना मैंने सोचा होगा कि मैं कुछ दिन दूध बोली को क्यों दूं, तो सोचो क्या आज हमारे पास जिनवाणी मौजूद होती है, कुछ नहीं होता। भाग्यवान वह है जो दोनों हाथों से लुटाए, जयवंत हो वरदान स्वामी जिन्होंने सारे विश्व को जिनवाणी प्रदान की हो। इसलिए आज से जिनवाणी नहीं छिपाना, ग्रंथों को छुपा कर नहीं रखना, छपा कर रख सकते हो, जितने पढ़ना चाहे भैया पढ़ो, परंतु छुपाना नहीं। यदि छुपाया तो वंद स्थान निर्जरा स्थान, यदि छपाया तो निर्जरा स्थान, छुपाया तो वंद स्थान और छपाया तो निर्जरा स्थान। समझो वस्तु स्वरूप समय सार ग्रंथ में लिख रहे हैं कि भोग भोग से निर्जरा हो गई, और मुनिराज आप कहते हैं कि भोग छोड़ो, समय सार कह रहा है कि भोग भोग से निद्रा हो रही है, और आप कहते हैं कि भोग छोड़ो। भैया मेरे मित्रों, समय सार की ना समझी में निज आत्मा की वंचना कर लेना, यह अलौकिक ग्रंथ है, अशरीरी भगवान आत्मा को कहने वाला महान ग्रंथ है। जिन्होंने इस ग्रंथ की अनुमति ले ली उसको जगत में कोई ग्रंथ पसंद आते ही नहीं, ये निर्ग्रंथ ही ग्रंथ है। समय सार जिनकी भावानुभूति निर्गंध भूत नहीं है, वे है मात्र ग्रंथ समय सार। यह निर्गंध ग्रंथ है समय सार, यह ग्रंथ ग्रंथ नहीं है, निर्गंध ग्रंथ है। अनुसरताम पद में तत् करम विताचार नित्य निर्विमुखा एकांत वृत्ति रूपा
भवति मुनीनाम अलौकिकी वृत्ति। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं पाप क्रिया से रहित एकांत की लीनता निर्ग्रंथ योगी की स्वानुभूति की लीनता ही निर्ग्रंथ समय सार। उसका स्वरूप जिसमें लिखा है बटग्रंथ समय सार विराजा है। आप उस स्वरूप में लगे निर्ग्रंथ मुनि निर्ग्रंथ समय सार शब्द ब्रह्म नहीं आत्म ब्रह्म है। भाव स्वरूप है स्वात्मानुभूति है शुद्धोपयोग की दशा है यह निर्ग्रंथ समय सार। उस निर्ग्रंथ समय सार का जिसमें स्वरूप व्याख्यायित है वह द्रव्य शब्द भूत शब्द ब्रह्म वह द्रव्य समय सार ग्रंथ समय सार या दोनों समय सार। ये ग्रंथ विराजा है ग्रंथ समय सार। जब द्रव्य समय सार की व्याख्या प्रारंभ होती है तब इस ग्रंथ को निहार करके निर्ग्रंथ को निहारेगा तब आनंद आता है। उन ऋषियों यति मुनि भगवंतों को देख करके जिनने दंती का दमन किया है दंती अर्थात हाथी हाथी को बस किया जाता है किससे अंकुश अंकुश से तो महावत के पास एक अंकुश होता है और वो उसकी गर्दन में चुभाता है उसको बस में कर लेता है हाथी। दंती अर्थात इंद्रियां इंद्रियों को दमन किया जाता है ज्ञानानुभूति ज्ञानानुभूति से जो इंद्रिय दंती को बस कर लेता है उसका दमन कर लेता है वे ही निर्ग्रंथ भदंत है। जो इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तब तो निर्ग्रंथ भदंत दिखना चाहिए बस कुछ नहीं देखना। जिसने इस ग्रंथ की अनुभूति ली हो इस ग्रंथ को समझ कर गया हो उसी को धरती के सारे निर्ग्रंथ तपोधन भगवान रूप देते हैं। परंतु वे कुछ अन्य क्रिया करते नजर नहीं आना चाहिए उनके मुख से जिनवाणी मिले चर्चा में मूलाचार दिखे अनुभूति में समय साफ झलके ऐसे निर्ग्रंथ तपोधन वीतराग की भाव लिंगी मुनिराजों को बार बार नमोस्तु। विश्वास मानो मुनिराज की मात्र वंदना करने से असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा होती है। ये तो हमारे श्रद्धा के बंधु हैं पत्थर की निर्दोष प्रतिमा लेकर आते हैं प्रतिष्ठा मंडप में प्रतिष्ठा करने के बाद उन्हें पत्थर नहीं देख पाता है हूं फिर सदियों सदियों तक उन्हें भगवान कहा जाता है। ऐसे ही जिस पुरुष के ऊपर 28 मूल गुणों के संस्कार हो जाएं तब उसकी पुरुष संज्ञा समाप्त हो गई मात्र भावलिंगी मुनि संज्ञा ही प्राप्त है। ऐसे ही व्यवहार को समझ करके भक्ति से भर करके कोई निर्ग्रंथ के पास पहुंचे और निर्ग्रंथ के मुख से ज्वाला निकले तो उस जीव का हृदय झुलस जाएगा। वो सोचेगा वो कहेगा कि मैं तो निर्ग्रंथ के दर्शन करने आया था वंदना करने आया था और मैं यहाँ ज्वाला की भाषा सुनने नहीं आएगा। जिनके मुख चंद्र से अमृत झरे पंडित ज्वाला ग्राम जी ने कहा जिनके मुख चंद्र से अमृत झरे यही मात्र निर्ग्रंथ दशा है। श्रद्धा व्यक्तित्व अधिकार वर्चस्व इनका राग भिन्न विषय है और निर्बंध दशा की अनुभूति भिन्न विषय है। लोक में डर के कारण भूत को भी भगवान कहना पड़ता है। मैंने सुना भगवान कहना पड़ता है। मैं बच्चा था तब मैंने अ सीखा था उस दिन का अ आज
आत्मा के रूप में समझ में आ रहा। मेरा माता पिता को कहना है कि छोटे से छोटे बच्चे के सामने कोई भी अशुभ काम ना करें। यदि संतान को संतान दिखना चाहते हो तो स्वयं के जन्माए पुत्र के सामने भी कोई अशुभ क्रिया मत करना, क्योंकि उस पर भी संस्कार पड़ते हैं। मैंने देखा है कि माँ जब मंदिर में जाप करती है तब भी वह बच्चा उंगली चलाता है, उसे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। माँ जाप कर रही है तो बच्चा उंगली चलाता है, उससे कुछ भी नहीं बनता। एक श्वेतांबर युवा ने मुझे 8 दिन तक आहार दिए, मैं समझ नहीं पाया। प्रतिदिन पूर्ण क्रिया चर्या के साथ एक दिन देखा कि चेहरा तो नहीं दिखता दिगंबर जैसा, मैंने अंजलि बंद कर दी। बाद में वह आकर बोला, मैं 8 दिन से आकर दे रहा हूं, तब मना नहीं किए, आज क्यों मना कर दिए? उन्होंने कहा, भैया अब तुम दे दो, दे तो चुकी हो, परंतु नियम लो कि दिगंबर जैन मंदिर जाओगे तो आहार देने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि चुंबक लोहे को खींचती है। ऐसे ही निर्ग्रंत योगी की मुद्रा सहज खींचती है। साधक की जितनी श्रेष्ठ साधना होगी उतना वह खींचता है, उसमें शंका नहीं करना, सहज परिणाम होगा। बिना भोगे ही भोग भावना मात्र से बंध होता है। आगे इस विषय फिर जानेंगे।